आज मैं बनाने वाली हूँ आलू भुजिया नमकीन, जिसके लिए मैंने 4 आलू 2 घंटे पहले उबाल के रख लिए थे, जो कि ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 कप बेसन ऐड करेंगे। फिर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें हम काली मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और 2 चम्मच रिफाइंड तेल इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे, ताकि हमारी नमकीन अच्छी बने। अब हम मशीन में अंदर से चारों तरफ से उसमें तेल लगा लेंगे और जाली में भी हल्का हल्का तेल लगा लेंगे, ताकि ये डो इसमें डालने के बाद इसमें चिपके नहीं। अब हमने गैस पे तेल चढ़ा लिया है, तेल गर्म हो चुका है, ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है हमें, मीडियम में ही रखना है और मीडियम में ही हम पूरी नमकीन को बना करके तैयार करेंगे। अगर हम फ्लेम हाई करते हैं तो हमारी नमकीन क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब हमारी नमकीन अच्छे से फ्राई हो गई है और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। इसको हमने पूरी नमकीन को मीडियम फ्लेम पे ही बनाया है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।